नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सीजीआई चंचूर के रिटायरमेंट के बारे में, यानी कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके रिटायरमेंट में जो है मात्र 15 कार्य दिवस जो है वो बाकी हैं, और इन अहम फैसलों पर जो है वो सुनवाई करने वाले हैं। जिन फैसलों पर वो सुनवाई करने वाले वो काफी महत्वपूर्ण है, और कुछ मामलों की जो है उसमें सुनवाई हो चुकी है, उसमें फैसला जो है वो रिजर्व रखा गया है। अब देखना होगा कि इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो फैसला क्या आता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में, जिनकी सेवानिवृत्ति जो है वो 10 नवंबर को निर्धारित है, और सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों का बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है, और 8 नवंबर को उनका आखिरी आधिकारिक दिन है, और इससे पहले जो है वो उनके पास में 15 कार्य दिवस जो है वो बचे हैं, और ऐसे में सीजीआई पर कई महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला सुनाने का दबाव है जो लंबित है, और जिनमें से कुछ राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों से जो है वो जुड़े हुए हैं, और काफी मामले ऐसे हैं जिनमें की जजमेंट आने बाकी है। सीजीआई चंचूड़ की सेवानिवृत्ति की तैयारी जो है वो चल रही है। इस तैयारी के बीच में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कुछ अहम फैसले जो है आने हैं, वो इस प्रकार से नंबर एक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा, यानी कि एएमयू को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये मामला काफी लंबे समय से लंबित है, और इससे पहले फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस बात पर जो है अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एएमयू को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपना अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखना चाहिए या नहीं, ये प्रावधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है, और इस फैसले का भारत भर में जो है जितने भी अल्पसंख्यक कहते इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर भी जो है वो सीधे तौर पे जो है वो देखा जाएगा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर दूरगामी जो है वो प्रभाव इसका पड़ सकता है। और इसी के साथ दूसरा जो है वो प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो है भर्ती नियमों में बदलाव किया जा सकता है या नहीं, यानी कि किसी भी जैसे आपने कोई भी किसी में आपका जो है वो अपॉइंटमेंट किया जाना है, उसकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद में क्या उसके जो नियम है उनमें बाद में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, ये मामला काफी लंबे समय से जो है वो लंबित था। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस बात पर अपना फैसला सुनाएगी कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती नियमों में जो है वो बदलाव किया जा सकता है या नहीं, और ये मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में अनुवादकों के लिए 2013 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जो पात्रता मानदंडों में परीक्षा के बाद किए गए बदलावों के बाद विवादों में घिर गई थी, और जिससे कई उम्मीदवारों की संभावनाएं जो है वो प्रभावित हुई थी, तो इस पर भी जो है वो फैसला आना जो है वो बाकी है। असम के एनआरसी की वैधता यानी कि नागरिकता को लेकर भी जो है काफी लंबे समय से ये बात जो है वो लंबित है, तो इसमें भी जो है फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जो है अपना फैसला सुनाएगा, जो कुछ निश्चित तिथियों से पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों के विभिन्न समूहों की नागरिकता की स्थिति से जो है वो संबंधित है, और सीजीआई चंचूड़ सहित 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया जाने वाला फैसला नागरिकता कानूनों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को जो है वो स्पष्ट करेगा कि इसमें क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ औद्योगिक शराब पर जो है वो नियामक प्राधिकरण जो है उसके ऊपर भी जो है फैसला जो है लंबित है, और 9 न्यायाधीशों की पीठ जो है वो ये तय करेगी कि औद्योगिक शराब की विनियम राज्यों या केंद्र सरकार के पास उसे होना चाहिए या नहीं, और अप्रैल 2024 से जो है ये सुरक्षित रखा गया है फैसला। सरकार के दोनों स्तरों को लिए जो है ये महत्वपूर्ण राजस्व प्रभाग को जो है प्रभावित कर सकता है कि ये जो है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो अधिकार होना चाहिए या इसको जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है इसके राइट दिए जाने चाहिए, तो ये सारा मामला जो है काफी लंबे समय से लंबित है और इसका भी जो है काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए जो है सरकार का अधिकार, यानी कि 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से अपेक्षित एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो है सरकार की निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने और
वितरित करने की क्षमता, यानी कि उसको एक तो उसको अपना अपने उसे अधिकृत अपने अधिकार क्षेत्र में रहने और फिर उसको दोबारा से बांटने से संबंधित ये मामला है। और इसमें ये सारी चीजें हैं कि ये जो है इस संपत्ति को किस तरह से इसका जो है वो पुनः इसको वितरित किया जा सकता है, इसकी क्षमता के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। ये मामला संविधान के अनुच्छेद 39B और 31C से संबंधित है, जो भौतिक संसाधनों पर समुदाय के नियंत्रण और राजनीति के कुछ निर्देशक सिद्धांतों को जो है वो पूरा करने वाले कानूनों की सुरक्षा से जो है संबंधित है। तो इस पर भी जो है वो फैसला जो है वो आना है। इसके साथ ही साथ बायजूस मुकदमे का जो है वो भी परिणाम आना है। सुप्रीम कोर्ट बायजूस के विदेशी निर्देशकों द्वारा कंपनी के खिलाफ जो है दिवालियापन कार्रवाई को जो है खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में भी फैसला सुनाएगा। और ये निर्णय भारत में कॉरपोरेट प्रशासन और निवेश के माहौल के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। बायजूस जो है वो एक कोचिंग टाइप का जो था एजुकेशन के लिए, और इसकी जो है वो इसमें भारत में जो है इसको लाया गया था। और इसका जो है आपने देखा होगा, इसका जो विज्ञापन है वो शाहरुख खान द्वारा जो है वो किया गया था। काफी सेलिब्रिटी के द्वारा भी जो है इसका विज्ञापन जो है वो किया गया था। और इसमें जो है जब इसको जो है अचानक से जो है दिवालिया जो है इसको घोषित करके, कई बार होता है कि कंपनियां जो है कॉर्पोरेट प्रशासन जो है कंपनियों को दिवालिया घोषित करके जो टैक्स होता है उसको बचा लेता है। तो इसके ऊपर भी जो है वो फैसला आना बाकी है। इसके साथ ही साथ मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स जो है उसके बारे में भी जो है वो फैसला आना है। जैसे कि आपको पता है कि कलकत्ता में कितना गंभीर मैटर हुआ था, एक ट्रेनिंग डॉक्टर का जिस तरह से रेप हुआ था, जिस तरह से मर्डर हुआ था, तो उसके ऊपर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक दुखद दुर्घटना के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए जो है पूरे मामले को सुना था। और पूरे भारत में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की जो है सुरक्षा से के संबंध में राष्ट्रीय टास्क फोर्स की सिफारिशों की जो है वो समीक्षा जो है वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे कुछ जो है वो फैसले जो है वो चंचूर जी को जो है वो लेने हैं। तो अब देखना होगा कि जो सीजीआई है वो इन सारी चीजों को लेके जो है क्या फैसले लेते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम से जो है वो लंबित है। और इसमें जो है जो भी फैसले आएंगे उसके जो है बहुत दूरगामी जो है वो प्रभाव भी पड़ेंगे, और ये संवैधानिक स्थिति को भी जो है वो स्पष्ट करेंगे कि अगर किस मामले में जो है क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह से संविधान में उसका बचाव हो सकता है, किस तरह से संविधान से उसको जो है वो सुरक्षित किया जा सकता है, या संविधान के अगर अगेंस्ट है तो वो सारी चीजें भी जो है वो क्लियर की जाएंगी। तो इन्हीं सारी अपेक्षाओं के साथ कि जितने भी फैसले आए वो देश के हित में आए और काफी जो है वो देश के लिए एक नजीर बने और आगे आने वाले मामलों में भी जो है उनको याद किया जाए। और जिस तरह से चंचूर जी का जो है वो कार्यकाल रहा है, तो उनका काफी अच्छा कार्यकाल रहा है, और अपने कार्यकाल में उन्होंने काफी अच्छे जो है वो जजमेंट दिए हैं, और उन्हें जजमेंटों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।